तो वेलकम टू द चैनल BGM मोटर स्पोर्ट्स। तो आप जैसे देख रहे हैं कि जो सामने गाड़ी खड़ी है, बेसिकली मेरी ही गाड़ी है और माशाल्लाह से ये आज अपनी फुल फाइनलाइजेशन सेशन के अंदर पहुंच चुकी है। तो मैं आज आपको इसका एक डिटेल रिव्यू देने वाला था और ये मेरे दोस्त खड़े हैं मिर्ज़ा शाहिब और ये ही मेरे साथ थे और जो कैमरा मैन है, मैं उन सबको डेडिकेट करना चाहूँगा क्योंकि इन सब ने मेरे साथ हेल्प किया और तब जाकर हम एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट की तरफ पहुँचे। तो फर्दर किसी देरी के मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक कम्प्लीट डिटेल रिव्यू दूँ एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों को मिलाकर। तो मेरे साथ इस वीडियो के साथ जुड़े रहें और आप फर्दर इस वीडियो कंप्लीट देखें ताकि आपको एक सेंसेशनल मतलब फीडबैक मिल सके इस गाड़ी से रेलिवेंट, और जो भी इससे प्रोजेक्ट से रेलिवेंट मुझसे बात करना चाहता है तो मुझसे कमेंट में बात कर सकता है और कमेंट में अपने मतलब फीडबैक छोड़ सकता है। तो फर्दर हम इस गाड़ी के बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं, चलें फिर वीडियो की तरफ। थैंक यू। तो गाइज़ ये देखें, ये आपके सामने इंजन बे है और माशाल्लाह से इसको मैंने खुद ही रीडिज़ाइन किया और इसको अल्हम्दुलिल्लाह इसे स्टॉक फॉर्म में लेकर आया हूँ। उसको जेन्युइन कंडीशंस के अंदर हमने वापस प्री इंस्टॉल किया ताकि हम इस चीज़ों को ये क्लियर करना चाहते हैं कि ताकि हम ना मतलब एक चीज़ को वापस स्टॉक में लेकर आएँ कि एक फैक्ट्री से बनी हुई गाड़ी दोबारा रीफैक्ट्री होकर वापस आए और रोड पर आए तो उसकी बात ही अलग होती है। आपने देखा कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं खैबर से रेलिवेंट और जितने भी आपको सोसाइटी में गाड़ियाँ मिलती हैं तो आपको नज़र आता है कि वो लोग कस्टम करते हैं उसको, ठीक है, उसमें D17, D16 और इस तरह के मेजर इंजन यूज़ करते हैं जैसे 2JZ, 1JZ और वो इसको कस्टमाइज़ करते हैं ताकि वो एक ऐसे स्पोर्ट्स कार बनाए। लेकिन मेरा जो प्रोजेक्ट था और मेरा जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि इसको एक डेली ड्रिवन कार बनानी है ताकि ऑन रोड डेली यूज़ के लिए हो, ताकि इसको फैमिली के साथ भी यूज़ किया जा सके और फ्रेंड्स के साथ भी। तो दैट्स व्हाई मैंने इस इंजन को वापस रीस्टॉक किया है, इसको अपनी ही जेन्युइन कंडीशन में रखकर। तो आप ये देख सकते हैं इसकी हर एक चीज़ प्रॉपर वायरिंग ये वो सब चीज़ें इसके अंदर बिल्कुल फ्रेश हैं और टॉपली टॉप नॉच पे जेन्युइन है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को इंक्लूड करना चाह रहा था कि इसमें कोई चीज़ देसी आइटम नहीं यूज़ की गई, अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर सारे काबली और जेन्युइन मटेरियल को ही यूज़ किया गया है, ठीक है। फर्दर हम आपको गाड़ी के पेंट कलर और उसके जॉब के बारे में बताते हैं कि जो इसका पेंट कलर है बेसिकली इसको एक रेड वाइन कलर का नाम दिया जाता है और इसको मैंने खुद ही कस्टमाइज़ करवाया ताकि एक कंपनी के फैक्ट्री आउटलेट से इस पेंट को परचेज़ करने के बाद इसको एक सुपर पेंटर के थ्रू इसको पेंट करवाया गया, ठीक है। तो आप इसकी पेंट क्वालिटी खुद भी देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बेस्ट एज बेस्ट पेंट को मैच करता है और इस बॉडी पर सूट कर रहा है। तो फर्दर मूव करते हैं इसकी लाइट्स पर। आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जितनी भी कस्टमाइज लाइट्स हैं ये सारी मैंने आफ्टर मार्केट लाहौर से परचेज़ की हैं और फर्दर इसके अंदर इंस्टॉल किए ताकि इसको एक बेस्ट पैकेज प्लान के साथ इंट्रोड्यूस किया जा सके। और आपको इसके अलॉय रिम्स की तरफ जल्दी इसके अलॉय रिम्स की तरफ आपको दिखाएँ कि इसके अंदर एक बेसिकली हमने एक 14 इंच का स्पेयर व्हील अलॉय रिम्स यूज़ किए हैं जो कि आफ्टर मार्केट आपको एक स्पोर्ट शेप में प्रोवाइड किए गए थे और जिसके अंदर लो प्रोफाइल टायर्स को इंस्टॉल करके इसके एक लुक को इन्हांस किया गया है। फर्दर आप देखते हैं कि इसके जो बॉडी है, बॉडी शेप है, इसकी ग्राउंड है और जो जितनी फ्लोर वगैरह इसको दोबारा से रीपेंट रीसेट रीडेंट करवा के इसको एक मैक्सिमम आउटपुट की तरफ हमने कोशिश किया है इसको रीडिज़ाइन करने के लिए। आप इसकी एरोडायनेमिक्स और इसकी फील एंड एंट्रेंस और एग्जिट और इसके साथ स्कर्ट्स और इसके बम्पर्स के इंस्टॉलेशन देख सकते हैं कि इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट मैच के साथ एक परफेक्ट बिल्डिंग क्रिएट की गई है ताकि इसको एक एपिटॉम कहा जा सके, यानी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकता हूँ कि इसे एक मास्टरपीस कहा जाए तो कम ना होगा। क्योंकि आप ये देख सकते हैं आपके सामने एक ऐसा प्रोजेक्ट एक खूबसूरत गाड़ी खड़ी है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कह सकता हूँ शायद 32 साल 32 साल पुरानी गाड़ी है ऑलमोस्ट, क्योंकि 90s मॉडल है सुजुकी खैबर और ये लाहौर से रजिस्टर्ड है बेसिकली, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम कह सकते हैं। और इसके अंदर मैंने रिकस्टम लाइट्स की तरफ देखा जाए तो मैंने इसकी बैक लाइट्स को भी नियॉन लाइट्स की तरफ मूव किया है ताकि इसके अंदर एक बम्पर्स के इंस्टॉलेशन के साथ इसको एक रेड टच दिया जा सके और इसलिए मैंने रेड नियॉन लाइट्स का इसमें इंतखाब किया है। तो फर्दर आप ये गाड़ी को देख सकते हैं और इसके अलावा मैं आपको इन लाइट्स की मतलब मोबिलाइजेशन और इनके मतलब स्टार्टअप कंट्रोल्स भी चेक करवाऊंगा। तो आप फर्दर सो गाइज दिस इज़ द ट्रंक एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव जस्ट मेड इट वेरी क्लियर दैट मैंने हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा टॉप नॉच पर जस्टिफाई करने की कोशिश किया ताकि मैं इसके अंदर एक सूटेबल मतलब सेटअप के साथ इसको इसकी जेन्युइन कंडीशन की तरफ ले आऊँ। तो दिस इज़ द थिंग दैट वी हैव जस्ट इंस्टॉल्ड इट्स ऑन जेन्युइन रबर्स पिलर्स
ये जो कहते हैं हम प्लास्टिक बॉडी सेट्स एंड अदर देन द थर्ड थिंग इज़ दैट हमने इसके अंदर जो जो इसकी चीज़ें थी मेन प्राइमली हमने इसकी जेन्युइन स्टॉक से परचेज करके इसमें खुद रीइंस्टॉल किया ताकि इसको एक रीकस्टमाइज हम कह सकते हैं जेन्युइन सुजुकी खैबर का नाम दिया जा सके. सो दिस इज़ द खैबर. सो लेट्स टेक अ राउंड लुक एंड वॉक अराउंड ऑफ ऑल. सो वी हैव इंस्टॉल्ड अदर बम्पर लाइट्स एंड ऑल्सो विद डैट वी हैव इंस्टॉल्ड द अलॉय रिम्स एंड द शेप दैट यू कैन सी. सो दिस वॉज ऑल द एक्सटीरियर दैट वी आर गोइंग टू यूज़ एंड सुजुकी खैबर. तो गाइज यही एक एक्सटीरियर की रिव्यू था जिसमें हमने आपको मेनली चीज़ें बताई हैं. आप बाकी बॉडी कलर और इसके इससे रेलिवेंट चीज़ों के अंदर उन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं और आप जो भी आपका फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. थैंक यू.